हेलो दगाड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पलाग, अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरूर थवाल देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग से आज लाटू बाबा जी के मंदिर में, जहाँ का 10वां दिन है और आज मंदिर में पूजा पाठ समाप्त हो जाएगा और आज के बाद यहाँ से घर चले जाएंगे। ठीक है, तो आज भव्य पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया है, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, ताऊजी और मैं। ताऊजी आगे आगे जा रहे हैं जाठा टेक के, पीछे पीछे आपका वीरू भाई। तो सीधे चलते हैं, लाटे बाबा जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं लाटे बाबा जी के मंदिर पे और गाँव वाले लगभग यहाँ पहुँच ही गए हैं। ये देखो नमस्ते। तो अब पहले सामान कर देते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। जय हो लाटू बाबू। अरे बच्चों, जय हो। और जय हो भाई। हाँ जय हो। खुश रहो। तो गांव वाले यहाँ पर आके भंडार भरने की तैयारी कर रहे हैं और फिर जाके पूजा अर्चना होगी जब सब गांव वाले आ जाएंगे। तो यार भाई, पूजा की सामग्री कर दी है यहाँ पे खाली। अब पंडित जी से लगवाते हैं सबसे पहले टीका। यहाँ पे लगा रहे हैं गुरु जी टीका। नमस्ते जी। तो जो पहले दिन यहाँ जार बोए गए थे, हरियाली बोई गई थी, वो अभी इतने बड़े हो गए हैं 10 दिन के अंदर। जो खेती है बात है, गुरु मेरे टीका लगा रहे हैं, बोलो वो दिखने का वाल मैं तो टिक्का विक्का लग चुका है। बोले तो कैसा रहा 10 दिन का अनुभव मंदिर में? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जैसे कि मतलब स्वर्ग ही पहुंच गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और एक छींक एक खांसी तो नहीं आई है हमें, इतना अनुभव यही होती है श्रद्धा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाटू बाबा जी का, लाटेश्वर रहे हैं। तो भाई मंदिर परिसर से कुछ इस तरह का खूबसूरत सा नजारा दिखता है। क्या दीदी, चाय पीने का मन कर रहा है? चाय लेके आओ, क्योंकि हम लोग ना पूजा के लिए जल्दी वैसे आगे घर से उठ के। चलो ठीक। तो यहाँ चाय भी पी सकते हैं भाई आप मंदिर परिसर में आके। और कल ये ब्लॉग आएगा और कल खाने के लिए यहाँ जा देना क्योंकि कल यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगले 2 साल बाद गोदान करेंगे। कल को हमको गोदान करना हुआ, हमने एक ये चढ़ावा कर रखा था, गोदान करेंगे हम। तो कल होगा गोदान, तो कल भी यहाँ पार्टी चलेगी भगवान जी की। तो दूध वगैरह चढ़ाने के बाद अब ले लिया है मैंने प्रसादी। चला प्रसाद लो। कर लिया। खा दिया। तो फटाफट से अब प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो भाई आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाटू देवता जी के मंदिर में पूजा है और हमारी पुष्पा जी का है यहाँ पे जपात पूजा है। हाँ। तो धामगांव से यहाँ जपात पूजने के लिए आ रखे हैं। नहीं नहीं, शेरमाली। अच्छा, शेरमाली के हुए। हाँ, शेरमाली घट में। अच्छा, घट के हुए। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे अभी बन रहे हैं लगोड़। ये देखो, तो दाजी लगोड़ पकाने हैं, बहुत ही बिजी है, बिल्कुल लाल लाल करारे लगोड़ बन रहे हैं। वाह, क्या चीज है? लगोड़ सॉरी हाँ, लगोड़ डालेगा मैं एक, ये जाएगा दी, तीन, ये लगोड़ टूट रहे मेरे से, 4 5, ये इतने सारे लगोड़ एक साथ। ढोल दमाओं के बाजे के साथ, बाजे गाजे के साथ जो जार बोए गए थे उसको काटा जा रहा है और इसके बाद कन्या पूजन होगा, फिर जाके पूजा संपन्न की जाएगी अशिका मिलने के बाद। तो यहाँ पे जार काटा जा रहा है पुजारी जी द्वारा। तो अब जार कट चुके हैं और बाबा लाटू देवता जी को चढ़ाए जाएंगे। अच्छा, लास्ट में कन्या पूजन के बाद।
अस्पताल वाला कौन है? लाटू मोड़ ए हरे हरे हेलो सर। दोस्तों लाटू बाबा जी के मंदिर में पूजा संपन्न हो गई है और वहाँ प्रसादी वगैरह खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं नौलिंग देवता जी के मंदिर पे, जो कि दांफा में स्थित है, जो कि आपने कल रात का मेला भी देखा तो वहाँ से निमंत्रण आया हुआ, तो वहाँ अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक नीचे पे है नौलिंग देवता जी का मंदिर और लाटू बाबा जी का मंदिर है ठीक यहाँ पे, और ये रहा अपना हिल स्टेशन बिरथी वाला गाँव और वो रहा खलिया टॉप। देखो भाई, हम खलिया टॉप के सीधे जड़ में ही रहते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं निमंत्रण पे और यहाँ पे है नौलिंग बाबा जी का खूबसूरत सा मंदिर, जो कि आपने मेला वगैरह देखा और सभी लोग पूजा संपन्न होकर अब यहाँ पे प्रसादी के लिए बैठ गए खाना खाने के लिए। तो अब फटाफट से खाना मिलता है, खाते हैं। अरे यार चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, तो अब आ गया हलवा। तो भैया अब आ गया है भात इतने बड़े से डेग में, अब इसको मस्त करके खाया जाएगा भाई। तो काफी लोग आए हुए हैं निमंत्रण में। तो भात तो आ गया, बचा है क्या? बचा है सूप, सूप तरी, तरी सूप, उसको खाया जाएगा टुकड़े। ये तो मंदिर में ना भाई कैसा भी खाना बनाओ बड़ा स्वादिष्ट बनता है। तो अब आने वाला है सूप अगर आने वाला है, फिर खाते हैं, फिर लाटू बाबा जी के मंदिर भी जाना है, वहाँ भी तो खाना है। हाँ वहाँ भी तो खाना है प्रसादी, प्रसादी कहीं नहीं छोड़ना हुआ, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। वही तो नहीं दिया।